So we are having this as circle हमें given है and circle के हमें दो parallel given है tangents x y and x dash y dash. Third parallel tangent हमें a b given है. We are to show that this angle a o b is 90. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके according में जब हम चलेंगे हमने सबसे पहला काम क्या करना है हमें पता है कि जो tangent और perpendicular radius के बीच में जो angle होता है that is 90. जो ये दोनों एंगल्स हैं हमारे पास ये क्या आएंगे 90 डिग्री. उससे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी. कंस्ट्रक्शन की हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे ओ और सी. अब ओ और सी को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास वी कैन सी फोर ट्राइंगल्स ओवर हियर. एक है हमारी पी ओ ए, सेकेंड है ए ओ सी. पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे फिर हम ट्राइंगल सी ओ बी और बी ओ क्यू इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. उससे क्या होगा हमारा जब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमारा ये वाला एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला एंगल्स इक्वल आ जाएंगे. अब क्योंकि ये एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा. अब इनका सम 180 डिग्री मीन्स ये चारों एंगल्स का सम 180 चारों से क्योंकि ये टू टू एंगल्स आपके इक्वल है तो हम रिप्लेसमेंट कर देंगे बाहर वाले एंगल्स को इन अंदर वाले एंगल्स से क्योंकि इस एंगल को हमें शो करना है दैट ए ओ बी इज 90. तो इस कंसेप्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन ओ टू सी एंड देन यहाँ मैं ओ दोबारा लिखती हूँ दैट वन इज नॉट क्लियरली विजिबल. सो जॉइन करेंगे हम ओ टू सी. अब हम हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दीज फोर ट्राइंगल्स वी आर हैविंग. फर्स्ट और सेकंड को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे. तो फर्स्ट और सेकंड का जो ओ पे एंगल बन रहा है बोथ ऑफ दीज एंगल्स विल बी इक्वल. थर्ड और फोर्थ का जो ओ पे एंगल बन रहा है बोथ ऑफ दीज एंगल्स विल बी इक्वल. ये इक्वल हो गए देन वी विल सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. गिवन सर्कल विद सेंटर ओ एंड ट्राइंगल विद सेकंड वन tangents x y and x dash y dash such that x y is parallel to x dash y dash. Third point again अब मुझे a b भी एक tangent given है तो tangent intersecting circle as C and x y A and B lies on x y and x dash y dash respectively का मतलब A x y पे lie कर रहा है और B जो है वो x dash y dash पे lie. So, अब हमने प्रूव करना है दैट ए एंगल ए ओ बी जो है दैट इज इक्वल टू 90. सो ट्राइंगल आर टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90. टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90. कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ टू सी O और C को हमने क्या किया ज्वाइन. अब हम क्या करेंगे ट्राइंगल लेंगे इधर से ओ पी ए एंड इधर से ओ सी ए. तो इन ट्राइंगल प्रूव कर दिए हमने इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ओ सी ए सीक्वेंस में मैंने इनका ले लिया क्योंकि मुझे ओ वाले एंगल्स दोनों इक्वल शो करने हैं और इधर से पी और सी एंगल्स आपके 90 डिग्री बनेंगे क्योंकि ओ सी जो है दैट इज अ रेडियस ए बी टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है तो ओ सी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी. तो पॉइंट जो सी है वहां पे भी 90 डिग्री का एंगल. अब यहाँ से हम यूज कर रहे हैं ए बी इक्वल टू ए सी
length of tangent from exterior point equal. Second, हम concept use कर रहे हैं OP equal to OC, radius of main circle. आपका अगर कोई भी 90 degree वाला भी move कर सकते हैं, मैं ऐसे करके करता हूँ. Third condition, OP equal to OP, common. By SSS congruency rule, final solution हमारे लिए तो हमें आएगी. अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो CPCT से इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यानी कि ए जो है दैट इज इक्वल टू सी. इक्वेशन मान लेते हैं सेम वे में हम शो कर देंगे एंगल सी ओ डी टू क्यू ओ. तो सिमिलरली करके हम लिख देंगे सिमिलरली. आई होप यू वुड हैव रिटन दिस गिवन एंड टू प्रूव. तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ. इफ समवन हैज नॉट रिटन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट. So next I'm making a final POV and CO. Similarly, if I and angles are equal, POV and CO. सिमिलरली किया है तो हमें दोबारा से इसको प्रूव करके नहीं दिखाना है. इसे क्वेश्चन नंबर टू ले लो. आप देखो पी ओ क्यू जो है दैट इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर ऑफ द सर्कल मींस दैट इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन एंगल जो है आपका वो 90 डिग्री. स्ट्रेट लाइन हो गया 180 डिग्री हो गया. यहाँ पे आप देखिए पी ओ क्यू को हम स्प्लिट करेंगे. ध्यान से देखिए पी ओ क्यू ये मेरे पास एंगल है. इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ पी ओ ए प्लस ए ओ सी प्लस सी ओ पी प्लस सी ओ. ये एक स्ट्रेट लाइन थी. स्ट्रेट लाइन पे ये इस तरीके से चार एंगल्स बन रहे हैं 1, 2, 3 and 4. तो स्ट्रेट लाइन एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सम ऑफ ये चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं पी ओ क्यू कैन बी रिप्लेस्ड एंगल सी ओ पी प्लस ए ओ सी प्लस सी ओ पी प्लस बी ओ पी इसका सम क्या है 1. 1 हम को यूज करके हम जो है यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे. रिप्लेसमेंट का ध्यान दो कि किस तरीके से किस एंगल को किससे रिप्लेस करना है. आपने मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए. आई नीड टू प्रूव द सम ऑफ दीस टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री. तो मुझे ये दोनों एंगल्स चाहिए. इट मींस इस वाले एंगल को मैं इससे रिप्लेस करूंगी और इस वाले एंगल को मैं इससे रिप्लेस करूंगी. यानी कि मुझे ए ओ सी और सी ओ बी रखने हैं. ये दोनों रखने हैं और ये दोनों जो है रिप्लेस कर. सो इनकी रिप्लेसमेंट जब हम करेंगे
using 1 and 2. Using equation 1 and equation 1 or 2 को हम use करते हैं. तो POA जो है that is replaced with A cos B. Equation 1 में था वो आपको A cos C ये बता रहा है सकते C O B है सकते और B O Q को again we will replace with Now this is twice of angle A. C plus twice of angle B is equal to 1. अब ये 180 degree हो गया, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे twice of angle A. C plus angle C B is equal to 180 degree. यानी the sum जो है, that is तो A O C और C O B किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं A O B तो एंगल A B इस सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9 पहले हमने जो हमारी ट्रायंगल्स बन रही थी उनको बाउंड्रीज शो किया देन P O Q स्ट्रेट लाइन है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट से हमारे पास जो है दो दो एंगल्स सेम आ गए POQ क्योंकि एक डायमीटर है तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल हमें पता है 180 डिग्री तो एंगल जो हमारे पास चार उनको हमने टू पेयर्स से प्लेस किया एंड देन वी गॉट आवर आंसर इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस देन यू कैन आस्क अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आई हैव गिवन यू द ऑप्शन आप अपने आप को अनम्यूट करके डाउट्स पूछ सकते हैं अदरवाइज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आर क्वाइट इजी तो इनके मैं जस्ट हिंट्स दूंगी दैट यू विल डू योरसेल्फ दीस बोथ ऑफ दीस आर योर होमवर्क पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 क्वेश्चन नंबर 10 में वो करवा रहा है जो रिजल्ट आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो है टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो है दैट इज और उसके साथ जो टेंजेंट वाले रेडियाई होते हैं उनके बीच का एंगल जो है उनका सम 180 यानी कि दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर हमारी ये वाली थ्योरम रिजल्ट जो है उसका प्रूफ है ये सो प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर विल बी द रेडियस तो हमें इट मींस शो करना है कि जो एंगल हमारा रेडियाई के बीच में बन रहा है और जो एंगल हमारा टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है उनको जो है एंगल जो सप्लीमेंट्री है या जो उनका सम है दैट इज 180 गिवन आपको गिवन में क्या है एक एक्सटीरियर पॉइंट गिवन है और एक्सटीरियर पॉइंट से टू टेंजेंट्स गिवन से यू आर गिवन then point of contact पे रेडियाई हुआ दोनों और प्रूफ करना है आपने कि जो ऑपोजिट एंगल होंगे यानी एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स दे आर सप्लीमेंट्री उनका सम 180 तो दिस इज द सर्कल गिवन टू अस विद सेंटर ओ ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया गिवन का डेंसिटी पॉइंट हमें लेना है एंड एक्सटीरियर पॉइंट अगर सपोज दिस वन इज सी टेंजेंट फ्रॉम दिस टू पॉइंट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली जॉइंट कंस्ट्रक्शन में कर लिया हमने जॉइंट ओ ए एंड सी ना भी बुक हो गई है तो अंडरस्टूड है क्योंकि एंगल्स ऑलरेडी तभी बनेंगे शो दैट ए बी बी प्लस ए बी इज 180 ये हमें शो तो गिवन हम प्रूफ भी सिंपली मैं पूरा प्रॉपर नहीं लिखाऊंगी आई एम जस्ट गिविंग यू दैट देखो ओ ए जो है दैट इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट तो दिस इज द लाइन यू नो दैट द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज 90 डिग्री तो ये दो एंगल्स आ गए मेरे पास 90
अगर मैं देखूं तो AO, BC, BP फोर साइडेड फिगर है, तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड आई नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 1. एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, OAB प्लस APB प्लस PBO या OBB, नेम आप किसी भी नेम दे सकते हो, एंड सीक्वेंस ऑर्डर में नेम देना है, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं. अब OAP 90 डिग्री है, APB मुझे नहीं पता, OBP 90 डिग्री है, AOB मुझे एंड इनका सम 360 डिग्री. ATB और ATB इधर रखेंगे तो अनोन है, नोन क्वांटिटी राइट हैंड साइड 65 आपने जो है इसमें कंसेप्ट लगाना है एंगल्स का, कि सम ऑफ द एंगल्स दैट इज So I guess you will be able to do this. Now moving on to question number 11. Again, question number 11 ka bhi half of the proof we have done in question number 8. Question number 8 mein jo tha hamara, almost wahi aadha proof hamara bilkul waise hi hai, sirf aage do steps. तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही आपका हो जाएगा. गिवन और टू प्रूफ नो डाउट दैट विल बी चेंज्ड. हमें क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल को पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है. सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब सर्कल के बाहर, सर्कल उसके अंदर. तो हमने ये प्रूफ करना है दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रूम. तो पैरेललोग्राम को हम बच्चे शुरू कर देंगे कि जो साइड्स हैं एडजेसेंट साइड्स हैं उनको इक्वल करो. तो फिगर जैसे कल क्वेश्चन नंबर 8 में बनाई थी, इन द सेम वे यू कैन मेक, या फिर आप इसको रोम्बस शो कर रहे हो इस तरीके से, सेम चीज है. मैंने पहले रोम्बस बना लिया और उसके बीच में अगर मैं सर्कल बना लूंगी तो मैं अब जो है इसके नेम हमें नहीं गिवन है तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि जो ए बी सी डी है दैट इज अ पैरेललोग्राम गिवन टू अस. तो नेम दे दिया हमने इसको ए बी. अब सेम वे में जो है क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो वो पॉइंट्स का भी हम नेम दे देंगे. ए बी मान लो बी के लिए सेट कर रहे हैं. अब अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो पॉइंट ए पे अगर मैं कंसेंट्रेट करूँ तो पॉइंट ए से जो एस और पी पॉइंट्स हैं दैट आर द पॉइंट ऑफ contact with the sender. So it means AP or AS jo hai from the exterior point A, these two are the tangents to the circle. Same way mein B exterior point hai, BC this is the point of contact. So BP and BQ are the tangents. C se CR and CQ are the tangents. D se DS and DR are the tangents. Kal wala figure ban gaya ye aapka. Proof bhi bilkul same way mein hai, aapne usi tarike se karna hai. अब इसका जो गिवन है वो आपका चेंज हो गया. गिवन है पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कल विद सेंटर ओ एंड जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखोगे कि साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इज हैविंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
on the circle as P, Q, R and S respectively. उसके बाद टू प्रूफ, टू प्रूफ में हमने क्या करना है, सर्कल इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस मींस वी आर सिंपली टू शो दैट ए बी इक्वल टू बी सी बट सी डी इक्वल टू डी ए. वन थिंग मोर, आपको वो पैरेललोग्राम गिवन है तो ऑपोजिट साइड यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी हमें ऑलरेडी पता है. एंड सेकेंड ए डी इक्वल टू बी सी का opposite sides of a parallelogram are equally known. अब जैसे हमने कल किया था same way में आप steps proceed करोगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, AB plus CD is equal to AD plus. यहाँ तक का जो proof है वो आपका question number 8 वाला है, so I'm not going to discuss that again. हमने क्या किया था, AS equal to AB, उधर से SD equal to BR, RC equal to CQ और PB इक्वल टू BQ. उसके बाद चारों को ऐड किया था तो हमारी ये चीज आ. अब यहाँ पे इसमें हम ये रिप्लेसमेंट्स लगा देंगे, AB जो है वो CD के इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है, और मुझे शो क्या करना है दैट द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. एडजेसेंट साइड्स AB, CD, AD, BC. तो AB के साथ अगर मैं लेती हूँ तो एडजेसेंट साइड जो है मेरी BC भी बन रही है, AD भी बन रही है, तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं. मैंने क्या किया, CD को रिप्लेस किया AB से यूजिंग दिस, AB इक्वल टू CD जो मुझे गिवन था, और इधर AD को रिप्लेस किया BC से. आप चाहो तो BC को AD से भी रिप्लेस कर सकते हो, दैट विल अगेन बी द एडजेसेंट साइड, दैट्स अप टू यू. तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू ट्वाइस. So all the four sides are equal, and since all the four sides are equal, so it is a parallelogram with all sides equal. Is either a rhombus or a square. तो हम जो है क्योंकि हमने सिर्फ adjacent sides equal prove की हैं, diagonals जो हैं वो हमने नहीं देखे हैं. Whether they are intersecting at an angle of 90 degree, they are at right angles or not. So simply जो है we will go for this कि AB और CD जो है एक बार AB CD जो है that is a rhombus. So if any doubt is there in this, you can ask. Otherwise, moving on to question number 12. Question number 12, we won't be able to do as the time is left a little bit. 1 minute is left. So, if there is any doubt, hai, then you can ask. Otherwise, rest of the questions, question number 12, 13, two questions are left. So, that we will do tomorrow.